चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और अभिनेत्री नीतू चंद्रा के बाद अब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हम इसका अपमान नहीं सहेंगे या हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वो भोजपुरी की अहमियत नहीं समझते हैं, जबकि देश में भोजपुरी एक महत्वपूर्ण भाषा है। आज दुनिया भी इसका सम्मान कर रही है। कितने भी IAS और IPS भोजपुरी भाषी हैं, इसीलिए अपने पब्लिसिटी स्टंट के लिए भोजपुरी को गाली देना या बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पिछले दिन एक रियलिटी शो के दौरान भोजपुरी भाषा का अपमान किया था और इसे टट्टी तक बताया है, जिस पर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि भोजपुरी भाषा का अस्तित्व उनकी फिल्मों से ज्यादा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। उन्होंने किसी भाषा का अपमान करने का अधिकार नहीं है। खेसारी लाल यादव ने सिद्धार्थ के जिस मन से ऐसी शख्सियत है उनसे यह ऊंची हरकत बर्दाश्त के काबिल है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि सलमान खान खुद दबंग जैसी फिल्मों में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया है और उनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही है। वहां तक आमिर खान पीके भी भोजपुरी भाषा का उपयोग करके उनकी फिल्म कई सौ करोड़ कमाई है। गौरतलब है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सलमान खान के बहुत चर्चित टीवी शो में अपनी फिल्म के दौरान पहुंचे थे, जहां सलमान खान ने उन्हें भोजपुरी गाने पर डांस करने को कहा। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भोजपुरी को टट्टी कहा था। उस समय मंच पर मौजूद बिहार के अभिनेता मनोज वाजपेयी भी थे। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा भोजपुरी को नीचा दिखाने पर भी विरोध नहीं जताया।